बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, इंडिया और चाइना के दरमियान हालात मज़ीद कशीदगी की तरफ जा रहे हैं। एक तरफ भारत को राफेल त्यारे मिलने के बाद भारत का कहना है कि अब हम चाइना को सबक सिखाएंगे, तो दूसरी तरफ चाइना ने भारत के खिलाफ अपने मज़ीद लड़ाका त्यारे और फौज को तैनात कर दिया है। चाइना ने इंडियन बॉर्डर पर लड़ाका त्यारों की तैनाती में 2 गुना इजाफा कर दिया है। अमरीकी एनालिस्ट के मुताबिक 28 जुलाई 2020 को चाइना के 36 लड़ाका त्यारे और हेलीकॉप्टर चाइना के हुतान एयरबेस पर तैनात थे और ये एयरबेस लद्दाख के करीब है, जहां 24 J-16 लड़ाका त्यारे तैनात हैं और इन 24 J-16 त्यारों के साथ 6 J-8 फाइटर, 2 Y-8G ट्रांसपोर्ट्स, 2 KJ-500 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम, 2 MI-17 हेलीकॉप्टर और 12 के करीब CH-4 स्ट्राइक ड्रोन भी शामिल हैं। अहम बात यह है कि जून से पहले जब चीनी और भारतीय फौजियों में झड़प हुई थी, उस वक्त इस एयरबेस पर सिर्फ 12 J-16 त्यारे तैनात थे। अमरीकी एनालिस्ट ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के सैटेलाइट से हासिल की गई तस्वीर की बुनियाद पर कहा कि चीनी त्यारे सिर्फ पार्किंग के मकसद के लिए भारतीय बॉर्डर के करीब मौजूद नहीं, बल्कि हुतान एयरबेस पर लड़ाका त्यारों को अपनी पोजिशन बदलते देखा गया है, यानी ये त्यारे एरियल प्रैक्टिस में मसरूफ हैं। जबकि दूसरी खबर ये है कि साउथ कोरिया ने अपनी मदद आप के तहत अपना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर 2021 से बनाने का ऐलान कर दिया है, जो कि 2025 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस 30,000 टन वजनी एयरक्राफ्ट कैरियर को वर्टिकल लैंडिंग एयरक्राफ्ट से लैस किया जाएगा और इस मकसद के लिए साउथ कोरिया अमरीका से F-35B नेवल एयरक्राफ्ट भी लेने जा रहा है, क्योंकि दुनिया में शॉर्ट लैंडिंग या वर्टिकल लैंडिंग करने वाले ये वाहिद त्यारे हैं। साउथ कोरिया इस एयरक्राफ्ट कैरियर को लड़ाका त्यारों, हेलीकॉप्टर और ड्रोन के लिए इस्तेमाल करेगा। इतलात के मुताबिक साउथ कोरिया ने मौजूदा और मुस्तकबिल में एशिया पैसिफिक में पेश आने वाले मुमकिन हालात का मुकाबला करने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का फैसला किया है। दोस्तों, अब तक की अपडेट्स के लिए इतना ही। वीडियो के मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।